नित्या की बात सुनकर यामिनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से नित्या को देख रही थी। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत वो निष्ठा से ही करती आ रही थी। आज तक उसे यही लगता था कि निष्ठा ने उसके हिस्से की हर चीज उससे छीन ली थी। नित्या की कड़वी बातों को यामिनी सहन नहीं कर पाई और उसने गुस्से में कहा, तुम्हें किस बात पर घमंड है? अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है। मैंने तुम्हारी हर चीज तुमसे छीन ली है। जो तुम्हारा हुआ करता था वो सब आज मेरा है। आखिर सच कड़वा होता है और वही सच नित्या के मुंह से सुनकर यामिनी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। भले ही वो सच निष्ठा ने नहीं नित्या ने कहा था, पर यामिनी के लिए वो निष्ठा ही कह रही थी, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। नित्या डबल स्माइल के साथ कहती है, तुमने ये सब सिर्फ धोखे से किया है। अब जो हमारा है वो तो हमारा ही रहेगा, पर जो अब तुम्हारे पास है वो सब तुम खो दोगे। नित्या की बात सुनकर यामिनी हैरान हो जाती है, क्योंकि नित्या ने यह बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कही थी। निष्ठा यामिनी के साथ कभी इस तरह से बात नहीं करती थी, इसलिए वो और ज्यादा हैरान थी। नित्या का मोबाइल बजता है, वो देखती है कि उसे मिहिर कॉल कर रहा है। वो एक नजर यामिनी को देखती है और कैफे से बाहर आकर फोन उठाती है। नित्या अपनी प्यारी सी आवाज में कहती है, हेलो। मिहिर नित्या की आवाज सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। नित्या को जब जवाब नहीं मिलता तो नित्या फिर कहती है, हेलो। मिहिर अपनी शांत आवाज में पूछता है, कहाँ हो तुम? नित्या हड़बड़ा जाती है। वो खुद को शांत रखते हुए जवाब देती है, हम तो अभी मानवी को कॉलेज छोड़कर वापस आ रहे थे। निष्ठा को वॉशरूम जाना था, इसलिए हम एक कैफे में बैठे हुए हैं। मिहिर ने कहा। उसके इस हूं को सुनकर नित्या बोली, आपको कुछ काम था क्या? मिहिर बोलता है, मैं कुछ दिनों के लिए दुबई जा रहा हूँ। मिहिर की बात सुनकर नित्या हैरान हो जाती है। वो खुद को शांत करते हुए कहती है, आपने हमसे पूछा? मिहिर शांति से जवाब देता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना। नित्या भी थोड़ी तेज आवाज में कहती है, नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। आप हमें इस बारे में अभी बता रहे हैं? आप यहाँ से गए ना तो सोच लीजिएगा, हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। आप कहाँ हैं बताइए, हम अभी वहाँ रहे। नित्या बस बोलती ही जा रही थी और मिहिर शांति से नित्या की बात सुन रहा था। मिहिर का जवाब ना मिलता देख नित्या चिढ़ते हुए बोली, आप सुन रहे हैं ना? मिहिर कहता है, ठीक है, तुम टेंशन लो। नित्या फोन रख देती है। उसे याद आता है कि यामिनी तो यही थी, कहीं निष्ठा और यामिनी आमने सामने तो नहीं आ गए। वो जल्दी से कैफे के अंदर जाती है। सामने से निष्ठा आ रही थी, वो जल्दी से नित्या के पास आ जाती है। नित्या निष्ठा का हाथ पकड़ती है और बाहर आने लगती है। निष्ठा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि नित्या इतनी जल्दी में क्यों है। निष्ठा कहती है, अरे नित्या क्या कर रही हो, थोड़ा धीरे चलो, और हमने तो अभी कॉफी भी नहीं पी है। और तुम? नित्या कार में बैठते हुए कहती है, वो शैतान दुबई जाने की बात कर रहे थे, हम अभी मेंशन जा रहे हैं, कॉफी हम तुम्हें घर पर बनाकर पिला देंगे। नित्या ड्राइवर को मेंशन चलने के लिए कहती है। निष्ठा मुस्कुराते हुए कहती है, ओह तो तुम उन्हें अभी से मिस कर रही हो? नित्या कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम भूल रही हो, आज हमारा प्लान शुरू होने वाला था और अब तो आधा दिन निकल गया और हमने कुछ किया ही नहीं है। निष्ठा सीट पर अपनी कमर टेकते हुए कहती है, सही कहा, दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने जा रहे हैं हम। फिर निष्ठा नित्या की ओर देखते हुए कहती है, क्या माहिर भी इस वक्त मेंशन में? नित्या बोली, पता नहीं, मिहिर ने कहा कि हम मेंशन आ जाएं, अगर वो चले गए तो हम फिर से बात नहीं कर पाएंगे। हम आज ही महल की सारी जानकारी जानना चाहते हैं। महल की बात सुनकर निष्ठा कुछ सोचने लगती है। वो बेचैन हो रही थी, वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर उसे अजीब सी कुछ चीजें दिखनी शुरू हो गई थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। निष्ठा झट से अपनी आंखें खोलती है और वो लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। उसे देखकर नित्या जल्दी से पानी की बोतल उठाती है और निष्ठा को पिलाते हुए कहती है, हे तुम ठीक हो ना? निष्ठा जल्दी जल्दी पानी पीने लगती है। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, उसके सर में बहुत दर्द हो गया था। फिर से अजीब चीजें दिखने लगी थी। वो खुद को नॉर्मल करते हुए कहती है, हम ठीक है। नित्या थोड़ा रुक कर कहती है, वो आज कैफे में हमने यामिनी को देखा। निष्ठा हैरान होकर नित्या को देखती है कि कहीं यामिनी ने नित्या को परेशान तो नहीं किया। निष्ठा बोली, तुमने हमें बताया नहीं? नित्या कहती है, हे तुम शांत हो जाओ, वो बस बकवास कर रही थी। हमें लगता है कि तुम्हें जल्दी उसका पर्दाफाश करने की जरूरत है, और बहुत ज्यादा हवा में उड़ रही थी वो। निष्ठा ने सामने देखा और हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ पर हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। सबसे पहले हमें माहिर का गुस्सा काबू में करना सीखना होगा। अगर वो हर वक्त हमारी ऐसी चिंता करते रहेंगे ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो राक्षस गुस्से में आगे पीछे कुछ नहीं दिखता है, अगर हम कुछ भी करेंगे तो उन्हें सब पता चल जाएगा। नित्या ने कहा, हाँ ये तो है। वो दोनों मेंशन पहुंच जाते हैं। वो दोनों सीधे अपने अपने रूम में जाती है। निष्ठा को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, वो सीधे बेड पर जाकर लेट जाती है। वहीं नित्या जैसी रूम में जाती है उसकी नजर मिहिर पर जाती है। वो सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। उसकी नजर साइड में रखे लगेज पर जाती है और उसे गुस्सा आ जाता है कि मिहिर ने जाने का मन बना ही लिया था। मिहिर अपनी नजरें उठाकर सामने खड़ी सुंदर सी लड़की को देखता है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। नित्या मिहिर को ही घूरे जा रही थी। मिहिर अपनी जगह से उठता है और नित्या के पास आ जाता है। वो प्यार से उसे गले लगा लेता है। नित्या अपनी आंखें बंद कर लेती है और मिहिर के सीने पर सर रख लेती है। नित्या कहती है, हमने कहा था ना आप नहीं जाएंगे। मिहिर नित्या से अलग होता है। वो उसके चेहरे पर आए हुए बालों की लटों से खेलते हुए कहता है, हम? नित्या मिहिर के जवाब से चिढ़ जाती है। वो कुछ सोचती है और खुद को शांत करते हुए कहती है, तो आप नहीं जा रहे हैं ना? मिहिर धीरे से कहता है, इंपॉर्टेंट है, जाना होगा। नित्या अपनी आईब्रो से कोड़ते हुए कहती है, आपने हमसे परमिशन ली? नहीं ना, तो आप नहीं जा सकते। नित्या का सीधा मतलब यही था कि जब नित्या को कहा गया है कि वो हर चीज मिहिर से पूछ कर करे, तो यही नियम मिहिर पर भी लागू हो कि वो कुछ भी करने या कहीं भी जाने से पहले नित्या से पूछे। मिहिर शांति से अपनी स्वीट वाइफ को देख रहा था। नित्या मिहिर का हाथ पकड़ती है और उसे बेड पर आकर बिठा देती है। नित्या कहती है, तो आप अब कहीं नहीं जाएंगे और जब तक हम ना चाहें आप ऑफिस भी नहीं जाएंगे। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको हमारे साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए? आपको जब से अपना भाई मिला है आप हर वक्त उन्हीं के साथ रहते हैं। नित्या मिहिर को परेशान करना चाहती थी, जैसे वो मिहिर की हरकतों से हो जाती थी। मिहिर कुछ नहीं बोल रहा था, तभी मिहिर का मोबाइल बजता है। मिहिर अपने पॉकेट से मोबाइल निकालता है, मिहिर फोन उठाता है। उससे पहले ही नित्या मिहिर के हाथ से मोबाइल ले लेती है। नित्या अभी भी उस शैतान के साथ कुछ कर रही थी, उसके लिए उसने कितनी हिम्मत जुटाई थी वो वही जान सकती थी। वो अंदर ही अंदर डर भी रही थी कि कहीं शैतान को गुस्सा ना आ जाए। नित्या फोन उठाती है और उसे दूसरी तरफ से आवाज सुनाई देती है, बॉस जाने की सारी तैयारी हो गई है, अब हम निकल सकते हैं। नित्या थोड़ी तेज आवाज में कहती है, अब आपके बॉस कहीं नहीं जा रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप उन्हें बार बार कॉल ना करें। नित्या फोन रख देती है। वो मिहिर को देखती है जो एक तक उसे ही देखे जा रहा था। नित्या को मिहिर से बहुत सारी बातें करनी थी और नित्या जानती थी कि वो बातें ही ऐसी थी जो शैतान को गुस्से में ला सकती थी। मिहिर कहता है, तुम्हें कुछ कहना, तुम कल रात को कुछ कह रही थी।
दित्य अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आते हुए कहती है, हाँ हम वो सब बाद में करेंगे, हमें पहले अपने गिफ्ट्स देखने हैं। इतना कहकर नित्या गिफ्ट के बॉक्स के पहाड़ को लाकर बेड पर रख देती है। वो मुस्कुराती है और मीर के सामने बैठ जाती है। वो अपना हाथ आगे करते हुए कहती है, आपने हमें गिफ्ट नहीं दिया। मीर कहता है, मैंने कुछ नहीं लिया है, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। नित्या कुछ सोचते हुए कहती है, आप मना नहीं करेंगे ना। मीर बोला, अगर मुझे लगा कि वो चीज़ तुम्हारे लिए ठीक है तो मैं मना नहीं करूंगा। नित्या कहती है, ठीक है तो हम अभी नहीं, बाद में बताएंगे। इतना कहकर नित्या बैग पर गिफ्ट को खोलकर देखने लगती है। मीर उसे देख रहा था और नित्या अपने सारे गिफ्ट्स को खोलकर मीर को दिखा रही थी। शाम होने को आई थी। एक कार तेजी से मेंशन के अंदर आती है। उसके रुकते ही माहिर गुस्से से कार से बाहर आता है और मेंशन के अंदर अपने रौबदार अंदाज में एंट्री लेता है। वो सीधे लिविंग रूम में जाकर बैठ जाता है और बहुत गुस्से में था। वीणा जी की नजर माहिर पर जाती है जो अकेले बैठकर कुछ सोच रहा था और इस समय काफी गुस्से में लग रहा था। वीणा जी माहिर के पास जाती है, वो उससे कुछ कहती, उससे पहले ही उसकी नजर हर्ष पर जाती है जो धीरे धीरे कदमों से बाहर आता। उसके माथे पर हल्की सी चोट भी थी। वीणा जी ये देखकर परेशान हो जाती है। वो जल्दी से हर्ष के पास जाती है। वो उन्हें ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहती है, बेटा ये चोट कैसे लगी, तुम ठीक तो हो ना। हर्ष फीकी सी मुस्कान के साथ कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। उसकी आवाज में उदासी भी थी जिसे वीणा जी ने बखूबी भाप लिया था। माहिर इस वक्त गुस्से से हर्ष को ही देख रहा था। मिहिर और नित्या भी साथ में नीचे आ रहे थे। वो दोनों सभी को देखकर वहां आ जाते हैं पर उन्हें पता नहीं था कि यहाँ क्या चल रहा है। माहिर खड़ा होता है और हर्ष को देखते हुए गुस्से से कहता है, हर्ष क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपने साथ बॉडीगार्ड्स रखा करो, आज तुम्हें कुछ हो जाता तो। भाई मैं, हर्ष कुछ कहता है इससे पहले ही माहिर बीच में कहता है, मुझे कुछ नहीं सुनना है हर्ष, अब से तुम जहां जाओगे तुम्हारे साथ बॉडीगार्ड्स होने चाहिए। करेक्ट, हर्ष ने अपनी बात रखते हुए कहा। भाई मुझे सच में नहीं पता कि वो लोग कौन थे और अचानक कहां से आए। माहिर गुस्से से कहता है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, इसके आगे मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। हर्ष अपना सिर झुका लेता है। वीणा जी कुछ नहीं कह रही थी, उन्हें पता था कि माहिर जो भी कहता है और करता है वो हर्ष के भले के लिए ही रहता है। नित्या माहिर के गुस्से को देखकर घबरा गई थी। उसने मिहिर की शर्ट को कसकर पकड़ लिया था। नित्या को एहसास हो रहा था कि वो पहले ऐसे नहीं डरती थी, फिर अब उसे हो क्या गया था। माहिर किसी को भी नहीं देखता और सीधे अपने रूम में चला जाता है। कमरे में पहुंचते ही उसकी नजर बेड पर सोई हुई निष्ठा पर जाती है जो पैर सिकोड़कर किसी बच्चे की तरह सोई हुई थी। शायद उसे ठंड लग रही थी, उसका ब्लैंकेट एक और गिरा हुआ था। निष्ठा को देखते ही माहिर का गुस्सा काफी हद तक कम हो चुका था। वो रूम का एसी बंद करता है और निष्ठा को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देता है। माहिर को समझ नहीं आया निष्ठा इस वक्त सो क्यों रही है। वो प्यार से निष्ठा के गालों को सहलाता है। उसे एहसास होता है कि निष्ठा के गाल बहुत गर्म है। माहिर निष्ठा के माथे को छू कर देखता है। निष्ठा को बहुत तेज बुखार था। अगले ही पल माहिर का सारा गुस्सा निष्ठा की चिंता में बदल जाता है। माहिर जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है। माहिर की आवाज सुनकर निष्ठा की नींद टूट जाती है। वो उठकर बैठ जाती है। उसका सर बहुत दर्द कर रहा था। माहिर निष्ठा को देखता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। माहिर बोलता है, हे उठ क्यों गई, लेटी रहो। निष्ठा अपना सिर पकड़ते हुए कहती है, हमारा सर बहुत दर्द हो रहा है। निष्ठा को कुछ धुंधली सी यादें दिख रही थी पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या था। माहिर डॉक्टर को कॉल करता है। माहिर की आवाज सुनकर निष्ठा भी उठकर बैठ जाती है। उसका सर बहुत तेज दर्द कर रहा था। निष्ठा अपना सर पकड़ते हुए कहती है, हमारा सर बहुत दर्द कर रहा है। निष्ठा को कुछ धुंधली यादें दिख रही थी पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो सब क्या था। निष्ठा उस तकलीफ से जल्द बाहर आना चाहती थी। उन यादों से उसके दिमाग में तेज दर्द हो रहा था। माहिर ने उसे बेड पर सुलाते हुए कहा, देखो तुम पहले लेट जाओ। माहिर उसे बेड पर अच्छे से लेटा देता है। अचानक निष्ठा की तबीयत का खराब हो जाना उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वापस से उसके माथे को छू कर देखता है जो तप रहा था। माहिर ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, तुम्हें फीवर है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। निष्ठा उसे देखती है पर कोई जवाब नहीं देती। कुछ देर में ही डॉक्टर आ जाती है। उसके साथ ही डॉक्टर को देखकर घर के बाकी सदस्य भी वहां जाते हैं। नित्या जैसी कमरे में आती है वो जल्दी से निष्ठा के पास आकर बेड में बैठ जाती है। नित्या परेशान सी कहती है, क्या हुआ तुम्हें, तुम्हें ठीक नहीं लग रहा था तो मुझे बताना चाहिए था ना। नित्या निष्ठा के सफेद पड़ रहे चेहरे को देखकर परेशान हो गई थी। कुछ घंटे पहले वो उसके साथ थी तब निष्ठा का सर दर्द कर रहा था पर निष्ठा ने कहा था कि वो ठीक है। वीणा जी बोली, हाँ बेटा ऐसे रूम में ही रहोगी तो हमें कैसे पता चलेगा, तुम्हें ठीक नहीं लग रहा था तो हमें बताना चाहिए था ना। निष्ठा उन सभी को देखती है और कहती है, हम ठीक है। निष्ठा नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से सब परेशान हो, उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था इसलिए वो बेड पर आकर लेट गई थी पर उसे धीरे धीरे बुखार हो चुका था। निष्ठा डॉक्टर को चेक करती है और इंजेक्शन लगाती है। डॉक्टर माहिर को देखते हुए बोली, इन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं, वायरल फीवर है, इन्हें टाइम पर दवाई दे दीजिएगा। अपनी बात पूरी कर डॉक्टर वहां से चली गई। बाकी लोग भी माहिर और निष्ठा को वहां अकेले छोड़ देते हैं। माहिर ने निष्ठा का हाथ थामा हुआ था और एकटक उसे ही देख रहा था। निष्ठा को ऐसे देखकर उसका दिल कितना दुख रहा था वो सिर्फ वही जान सकता था। कुछ देर बाद वो चेंज करके वापस निष्ठा के पास आकर बैठ जाता है। वो थोड़ी थोड़ी देर में निष्ठा का फीवर चेक कर रहा था। धीरे धीरे निष्ठा का फीवर भी कम होता जा रहा था। निष्ठा की जब नींद टूटती है तो उसकी नजर अपने सामने बैठे माहिर पर जाती है जो उसे ही देख रहा था। माहिर उसे देखकर बोला, अब कैसा लग रहा था। निष्ठा उठकर बैठने लगती है तो माहिर उसकी उठने में हेल्प करता है। निष्ठा ने सर झुकाते हुए कहा, हम ठीक है। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे वो माहिर से नाराज हो। माहिर समझ गया था कि निष्ठा अभी बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं है इसलिए वो आगे कुछ नहीं बोलता और वो मेट से खाना लाने को कहता है। माहिर की बात सुनकर निष्ठा चिढ़ते हुए कहती है, हमें कुछ नहीं खाना, हमारा मन नहीं है। निष्ठा को हमेशा इस बात से चिड़ मची होती थी कि माहिर हर वक्त उसके खाने के पीछे पड़ा होता था। निष्ठा के लिए ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब माहिर उसे उसके खाने के लिए ना पूछे। अगर वो ऑफिस में भी हो तब भी वो उसे कॉल करके जरूर पूछता था कि उसने डिनर किया या नहीं। माहिर प्यार से कहता है, थोड़ा सा है फिर तुम्हें दवाई भी लेनी है। निष्ठा कहती है, हमने कहा ना हमें नहीं खाना, हमें बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है। माहिर बोला, तुम खाओगी नहीं तो ठीक कैसे होगी। निष्ठा के मूड स्विंग्स को देखते हुए माहिर उससे बहुत प्यार से बात कर रहा था, नहीं तो उसके लिए निष्ठा को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता और उसे अपने गुस्से का सहारा लेना पड़ता। निष्ठा फिर से बोली, हमें नहीं खाना बस। इतना कहकर निष्ठा ब्लैंकेट अपने सर के ऊपर उड़ लेती है। माहिर अपनी उंगलियों से उसके माथे को सहलाता है। इसमें कोई शक नहीं था कि उसने खुद पर कंट्रोल रखा हुआ था कि उसे निष्ठा पर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है। माहिर कुछ सेकंड निष्ठा को ऐसे ही देखता है और फिर निष्ठा के ऊपर से ब्लैंकेट हटा देता है और निष्ठा को पकड़कर उसे बैठा देता है। निष्ठा थोड़े गुस्से से कहती है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, आप हमें सोने क्यों नहीं देते।
निष्ठा की नजर जैसे ही माहिर की नजरों से मिलती है वो घबरा जाती है, क्योंकि माहिर उसे अपनी तीखी नजरों से घूर रहा था। माहिर का चेहरा देखकर निष्ठा समझ चुकी थी कि आखिरी बार है जब माहिर उससे कह रहा है, नहीं तो उसके आगे का अंजाम निष्ठा के लिए अच्छा नहीं होगा। माहिर खाने की प्लेट उठाता है, निष्ठा की नजर प्लेट में रखी खिचड़ी पर जाती है और वो अपना मुंह बना लेती है। माहिर चम्मच लेकर खिचड़ी मुंह के पास ले जाता है। निष्ठा अपना मुंह बनाकर बोली, हमें ये नहीं खाना है। माहिर थोड़ी तेज आवाज में कहता है, निष्ठा। निष्ठा चुपचाप पूरी प्लेट बहुत मुश्किल से खाली करती है, क्योंकि माहिर अपनी टेबल नजरों से उसे घूर रहा था। माहिर निष्ठा को दवाई देता है और उसके पास बैठ जाता है। वहीं दूसरे कमरे में कुछ अलग ही सीन चल रहा था। नित्या और मिहिर साथ में बैठकर कार्ड्स खेल रहे थे। मिहिर पहले से ही जानता था कि उसकी वाइफ कितनी चालाक थी, पर आज उसने उसकी चालाकी फिर से देखी ली थी। मिहिर प्यार से अपनी आरोही को निहार रहा था। आज वाली आरोही और जब उसने उसे पहली बार देखा था तब वाली आरोही में जमीन आसमान का फर्क था। जब उसने उसे पहली बार देखा था तब वो उसकी मासूमियत से भरे चेहरे पर फिदा हो गया था। आरोही पहले बहुत शांत रहती थी, लेकिन उस खामोशी के पीछे कितना बड़ा राज छिपा था अब मिहिर के सामने आ चुका था। पर मिहिर को अब भी ऐसा ही लगता था कि आरोही का डर खत्म नहीं हुआ है। वो सबको दिखाती थी कि वो सबके साथ बहुत खुश थी, लेकिन मिहिर को नहीं लगता था कि वो दिल से खुश थी। अतीत की कड़वी यादों का साया पूरी तरह से आरोही के ऊपर से हटा नहीं था। ये बात तो अब आरोही ही जानती थी कि वो सदमे से बाहर आ पाई है या नहीं, या फिर वो सिर्फ सबके सामने दिखावा कर रही है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। बहुत टाइम तक कार्ड्स खेलने के बाद नित्या कार्ड्स को साइड में रखते हुए कहती है, अब हम बोर हो गए हैं, हम निष्ठा से मिलकर आते हैं। इससे पहले नित्या अपनी जगह से उठती, मिहिर उसका हाथ पकड़ लेता है। मिहिर नित्या को अपने पास बिठा लेता है। मिहिर कहता है, वो भी रेस्ट कर रही होगी, तुम कल सुबह उससे मिल लेना। नित्या उसे देखते हुए कहती है, पर हम बहुत टाइम से उससे नहीं मिले। मिहिर मुस्कुरा कर कहता है, पर तुमने कहा था तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगी। नित्या को अपनी कही हुई बात याद आती है, वो अपनी ही बातों में फंस गई थी। उसने दिन भर आज मिहिर को अपने पास रखा था और वो उस शैतान को और भी बारीकी से समझने की कोशिश कर रही थी। नित्या सोचते हुए बोली, हाँ ठीक है, पर आपने कहा था कि हम शाम को घूमने जाएंगे और अब तो 7 बज गए हैं। नित्या उसे याद दिला रही थी कि वो उसे घुमाने ले जाने वाला था। मिहिर कहता है, हाँ डिनर के बाद चलेंगे। अब जब डिनर का टाइम हो चुका था तो मिहिर नित्या का हाथ पकड़कर नीचे आ जाता है। माहिर और निष्ठा को छोड़कर सब डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए बैठे हुए थे। रितेश प्यार से हर्ष को समझा रहा था कि माहिर उससे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रहेगा। हर्ष का चेहरा लटका हुआ था, वो माहिर से बात करना चाहता था पर वो निष्ठा के साथ होगा इसलिए वो अभी कुछ नहीं कहता है। दूसरी ओर कृतिका अपने रूम में बैठकर खिड़की से आसमान को देख रही थी। वो ना चाहते हुए भी खुद को बहुत ज्यादा अकेला समझ रही थी। वो जितना अंश की यादों को दूर करने की कोशिश करती उसे उतना ही सब कुछ याद आ रहा था। उसके लिए यकीन करना मुश्किल था कि उन दोनों का अब डिवोर्स हो चुका है। वो अंश की यादों को याद करके कभी मुस्कुराती और कभी रोने लगती। दिल का दर्द आंसुओं से भी नहीं बह रहा था। कुछ देर वहीं बैठकर आसमान को निहारने के बाद वो अपनी जगह से उठती है और बाथरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। ठंडा ठंडा पानी उसके बदन को भिगाने लगता है और वो वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। मेंशन में निष्ठा बेड पर बैठकर सामने लगी टीवी पर कार्टून देख रही थी और माहिर उसे ही देखे जा रहा था। काफी देर बाद भी जब निष्ठा नहीं सोती है तो माहिर टीवी बंद कर देता है। निष्ठा माहिर को देखने लगती है। माहिर निष्ठा के पास बैठते हुए कहता है, तुम्हें नींद आ रही थी ना, अब सो जाओ। निष्ठा कहती है, अब हमें नींद नहीं आ रही है, हम बहुत टाइम से सो रहे थे। माहिर कहता है, माहिर निष्ठा को हक कर लेता है। निष्ठा अपना मोबाइल ढूंढते हुए कहती है, हमारा मोबाइल कहाँ है, हमें वीरा को कॉल करना था। माहिर ने उसे अपनी ओर करते हुए कहा, उससे कल बात कर लेना। निष्ठा आगे कुछ नहीं कहती है। माहिर निष्ठा के बालों को सहलाते हुए कहता है, क्या तुम्हारा कभी एक्सीडेंट हुआ था। निष्ठा को समझ नहीं आता कि माहिर अचानक कैसे क्यों पूछ रहा है, फिर भी वो जवाब देते हुए कहती है, हाँ 5.5 साल पहले कार एक्सीडेंट हुआ था और हम 6 महीने तक कोमा में थे। निष्ठा की बात सुनकर माहिर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने निष्ठा के बारे में सब पता लगवाया था और उसे ऐसा कुछ नहीं पता चला था कि निष्ठा के साथ ऐसा कुछ भी हुआ है। माहिर सोचने लगता है कि निष्ठा के बारे में जो उसे पता चला शायद वो सब झूठ हो सकता है। माहिर मन में ही कहता है, शायद इसलिए निष्ठा 5 साल पहले की बात भूल चुकी है और वो जो। माहिर कुछ नहीं कहता तो निष्ठा फिर कहती है, हमारा मोबाइल नहीं दिख रहा, आपने देखा है क्या। माहिर ने उसे देखा और कहा, अभी क्या करोगी, अभी तुम्हें सोना है। निष्ठा माहिर को ध्यान से देखती है, उसे उसका मूड तो ठीक ही लग रहा था। निष्ठा माहिर को देखते हुए कहती है, हमें आपसे कुछ बात करनी है। माहिर निष्ठा को अपनी ओर करीब कर लेता है और दोनों के ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है। माहिर बोलता है, हाँ बोलो। निष्ठा कहती है, क्या हम अपना डांस फिर से शुरू कर सकते हैं। माहिर की आंखें अचानक डरावनी हो जाती है। निष्ठा को अब डर लग रहा था कि डबल कहीं गुस्से में ना आ जाए। माहिर बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि निष्ठा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखे। वो जानता था कि लोग इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए क्या क्या करवाते और करते हैं। निष्ठा को समझ नहीं आ रहा था कि राक्षस कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। यहाँ उसकी डर से हालत खराब हो रही थी। वो जानती थी कि अगर माहिर अपने पर आ गया तो वो डांस का नामो निशान ही मिटा देगा